हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड पीएच फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, तो देखो बच्चों, ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बने होते हैं, जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो इनके कैटायन और एनायन दोनों हाइड्रोलाइज्ड होते हैं और इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में एक वीक एसिड और एक वीक बेस बनता है। अब आता है कि इन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो वीक एसिड और वीक बेस बन रहा है। ऐसे में जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका नेचर, बनने वाले एसिड और बेस, इनकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेस की बेसिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो ऐसे में सॉल्यूशन वीक एसिडिक नेचर का होगा और बेस की बेसिक स्ट्रेंथ एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो सॉल्यूशन वीक बेसिक नेचर का होगा। ओके, हम इसी को देखते हैं और पूरा डिस्कस करेंगे कि इनके जो इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किस तरह से कैलकुलेट होता है, इनका पीएच किस तरह से कैलकुलेट होता है, इसी को हम पूरा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है Ba जो कि एक वीक बेस और एक वीक एसिड से बना है। इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, ओके, हाइड्रोलिसिस हुआ तो बना BOH प्लस HA, ये है वीक बेस और ये क्या है बच्चों, वीक एसिड। ओके, आयोनाइजेशन थ्योरी ने तो हम ऐसा लिखेंगे B प्लस A माइनस प्लस H2O गिव्स BOH प्लस HA, ये दोनों वीक हैं इसलिए हम इसे मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब हम इसके लिए इनका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है लें तो देखो क्या लिखेंगे, यहां पर एक इक्विलिब्रियम होता है तो हो जाएगा BOH HA अपॉन में क्या होगा बच्चों, B प्लस एंड A माइनस। ये इक्वेशन नंबर वन है, ये है ऐसे सॉल्ट के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब हम आते हैं कि ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो बेस के और एसिड के और वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट से किस तरह से रिलेटेड है या वाटर के आयनिक प्रोडक्ट से किस तरह से रिलेटेड है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो क्या होता है कि यहां पर वीक बेस बना है, वीक एसिड बना है तो इनके भी इक्विलिब्रियम होंगे, इनके भी डिसोसिएशन कांस्टेंट को कंसीडर करेंगे तो हम यहां आगे बढ़ जाएं, यहां हम वीक बेस और वीक एसिड के डिसोसिएशन को देखते हैं कि BOH आयोनाइज्ड हुआ B प्लस प्लस OH माइनस, तो KB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, B प्लस OH माइनस अपॉन BOH। ओके, जस्ट ऐसा ही वीक एसिड आयोनाइज्ड हुआ H प्लस A माइनस, तो KA इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों हम, H प्लस A माइनस अपॉन HA। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और इन वीक एसिड वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से का किस तरह का रिलेशन होता है। तो देखो KH इनटू KA इनटू KB ये नहीं तो क्या आएगा, तो देखो KH हमारे पास है BOH HA अपॉन B प्लस A माइनस। ओके, ये मैंने KH लिख दिया, KA क्या है हमारे पास, H प्लस A माइनस अपॉन HA इनटू KB क्या है बच्चों हमारे पास, B प्लस OH माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा BOH। यहां तक बस समझ गए अच्छी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या बचेगा हमारे पास। तो देखो बच्चों, यहां से BOH HA B प्लस A माइनस, तो हमारे पास बचा KH इंटू के ए इंटू के बी इज इक्वल टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस, और हम जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है,
KH into KA into KB is equal to KW. ओके तो यहां पर हम आ गए कि KH is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, तो KW upon KA into KB. ये रिलेशन है ठीक है सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और जो उससे बनने वाले वीक एसिड और वीक बेस हैं उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट से. तो इस रिलेशन से हम KH कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहां तक अच्छी तरह समझ गए होगे आप. अब आगे देखो, अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को कैलकुलेट करना. ओके अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां आ जाते हैं. फिर हम देखते हैं कि जो अभी हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखी थी H प्लस A माइनस प्लस H2O गिव्स HA प्लस BOH. ओके ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 0 है, ये 0 है. हमने लिखा 1 माइनस स्मॉल H, 1 माइनस स्मॉल H, तो ये हो गया H एंड ये हो गया H एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां H स्मॉल H क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. ओके और आगे बढ़ जाते हैं, एक्टिव मास में ले तो 1 ये हो जाएगा H C, 1 माइनस H CH CH. ओके तो यहां पर KH इज इक्वल टू जब हम लेंगे HA BOH अपॉन B प्लस A माइनस, तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा CH इनटू CH अपॉन C, 1 माइनस H इनटू C, 1 माइनस H. यहां से C और C हटा दो तो अब आपके पास आ गया KH इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का स्क्वायर. अब हम जानते हैं कि यहां पर 1 माइनस H को हम अप्रोक्सीमेट 1 लेते हैं. ओके तो हमारे पास आ गया KH इज इक्वल टू H स्क्वायर, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट KH. आप देख रहे हैं कि जो वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल फ्री है. मीन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हम घटाएं बढ़ाएं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है कि कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कौन से सॉल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो वो है वीक एसिड वीक बेस का. ओके और आगे बढ़ा दें हम, तो H इज इक्वल टू यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, KW अपॉन KA इनटू KB. यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होगे. अब मैं समझता हूं कि H कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां आप देख रहे हैं कि जो ये है कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अगर हम उनको देखें तो KA H 1 अपॉन KB, तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनकी जो वैल्यूज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एसिड या बेस अगर स्ट्रेंथ ज्यादा रखते हैं तो उनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगा. ओके तो यहां तक आप नोट कर लें. अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं पीएच डिटरमिनेशन. ओके पीएच डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ठीक है सॉल्ट. तो अभी आपने देखा कि B प्लस A माइनस प्लस H2O गिव्स HA प्लस BOH. ओके ये था C1 माइनस H, ये है C1 माइनस H CH CH. यहां तक अभी आपने अच्छी तरह से समझ लिया है. हम यहां आ जाएं HA gives H plus plus A minus. ये क्यों ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि हमें pH निकालना है, pH में हमें H की जरूरत होगी, तो हम H यहां डायरेक्ट नहीं लिख रहे हम यहां से लिखेंगे. तो KA is equal to क्या होता है बच्चों, H plus A minus upon HA. यहां तक बात समझ में आ गई. तो H plus is equal to क्या हो जाएगा, KA HA अपॉन A माइनस. ओके अब हम ये कॉन्सेंट्रेशंस इनको यहां पुट अप करें तो हम लिख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू KA,
एच ही यहां हो जाएगा, क्या होगा बच्चों यहां पर सी स्मॉल एच और ए की कॉन्सेंट्रेशन, तो यह सी वन माइनस एच। यहां तक बस सब और आगे बढ़ जाना, एच प्लस इज इक्वल टू ये हट गया के ए इंटू एच अपॉन वन माइनस एच, यहां वन माइनस एच अप्रोक्सीमेट वन, तो एच प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों के ए इंटू एच। यहां तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो अभी आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक रिलेशन देखा कि स्मॉल एच इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास अभी आपने देखा था कि हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आया था वो था के डब्ल्यू के ए इंटू के, ये रिलेशन अभी आपने देखा। इस रिलेशन को हम इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं, तो हम यहां लेंगे के ए रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, एच प्लस इज इक्वल टू इसको अंदर ले जाए स्क्वायर होगा ये हट जाएगा ये के ए, तो यहां हमारे पास हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी। ओके एच प्लस इज इक्वल टू हम ऐसा ले लें के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी का पावर वन बाई टू। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब हमें इसे पीएच में चेंज करना है, तो हम ऐसा नहीं पहले पूरी इक्वेशन का लॉग ले लें। ओके कि लॉग एच प्लस इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों लॉग के डब्ल्यू प्लस ये आगे जाएगा, हम इसको पहले ऐसे ले लें कि वन बाई टू लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग के बी। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू वन बाई टू यहां ले लें माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए और यहां माइनस का तो प्लस हो जाएगा और लॉग क्या हो जाएगा बच्चों के बी। यहां तक का समझ गए, ये तो हो गया आपके पास पी एच वन बाई टू, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए हो जाएगा, और यहां देखो आप प्लस लॉग के बी है, हम इसे माइनस में ऐसा लिख दें लॉग वन अपॉन के बी, तो ये आ जाएगा वन बाई टू पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। यहां तक बात समझ गए ना, या वन बाई टू तो ये हो जाएगा के पी के डब्ल्यू तो 14 होता है, तो यह हम ऐसा लिख सकते हैं ना सेवन माइनस वन बाई टू सॉरी यहां प्लस हो गया प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ये है पी एच के कैलकुलेशन का रिलेशन। अब आप इस रिलेशन से सीधा देख रहे हैं कि जो पी एच है ना वो क्या होगा, सेवन से ज्यादा होगा सेवन से कम होगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों वैल्यूज पर के ए एंड के बी। यहां तक बात समझ गए, और देखो इस तरह से कह सकते हैं ना कि हमारे पास पी के ए लेस देन पी के बी, तो पी एच इक्वल टू सेवन ठीक है माइनस ये हो जाएगा ना बच्चों कि जो ऐसा अगर आप रिलेशन लेते हैं कि पी के बी ग्रेटर देन पी के ए, तो जो पी एच होगा ना बच्चों वो लेस देन सेवन आएगा, मींस एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है ये ऐसा है तो के ए ग्रेटर देन के बी होगा। ओके मींस सॉल्ट जो एसिड है, ओके एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी बच्चों स्ट्रेंथ इज हायर देन बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब जो एसिड बन रहा है हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड और वीक बेस जो बन रहा है उसमें से वीक एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो लेस देन 7 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे हमारे पास सॉल्ट किस तरह से, जस्ट इसका उल्टा पी के ए ग्रेटर देन पी के बी मींस के बी ग्रेटर देन के ए, तो पीएच ओके ये हो जाएगा ग्रेटर देन 7 मींस बेसिक नेचर का होगा। समझ गए ना, सॉल्यूशन जो होगा हल्का सा बेसिक नेचर का होगा, क्यों होगा बेसिक नेचर का, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है।
ठीक है, और पी के ए इज इक्वल टू पी के बी ऐसा है तो जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। मींस दोनों, जैसे अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ठीक है एसिटिक एसिड, दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर होते हैं, उनका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। यहां देख रहे हैं के बी के ए से ज्यादा है, इसका मतलब है कोई ऐसा वीक बेस बन रहा है जो एसिड की स्ट्रेंथ, जैसे अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के भी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है कार्बोनिक एसिड से, इसीलिए बेसिक हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही ऐसा सॉल्ट जो होगा इसी तरह से, ये तरह के नेचर वाले सॉल्यूशन वाले नेचर वाले भी सॉल्ट्स होंगे, तो वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से पीएच कैलकुलेट करें, एच कैलकुलेट करें, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करें, तो ये आप पहले नोट करें, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं। अब देखो बच्चों, आपको ये टू क्वेश्चंस दे रखे हैं, 0.01 मोलर अमोनियम एसिटेट है, पीएच क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन है, के ए और के बी की वैल्यूज दे रखी है। ओके, तो हम जानते हैं कि